देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। शाहजापुर जेल में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के द्वारा सभी बंदियों को मकर संक्रांति की बधाई दी तथा कहा कि यह नव वर्ष 2023 का पहला त्योहार है। इस पर्व पर आप लोग शपथ ले कि अब भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा जेल आना पड़े। अन्य अधिकारियों व स्टाफ ने सभी बंदियों व आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कारागार में निरुद्ध सभी बंदियों व स्टाफ के लिए विशेष रूप से भोजन के रूप में खिचड़ी तैयार कराई गई, जिससे सभी अधिकारियों व स्टाफ व बंदियों के साथ साथ बैठकर भोजन किया। सर्वप्रथम जेल अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने बंदियों को पंगत में बैठाकर भोजन परोसकर खिलाया। खिचड़ी के साथ चटनी, सलाद, गुड़ व मिर्च भूनकर परोसी गई। जेल अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय स्टाफ व अन्य सभी स्टाफ के द्वारा बंदियों के साथ पंगत में बैठकर खिचड़ी का आनंद लिया। अधिकारियों व स्टाफ को बंदियों द्वारा भोजन परोसा गया। ऐसी व्यवस्था से बंदी बहुत खुश व अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ज्ञातव्य है किसी तरह दिनांक 13 जनवरी 2023 को सायंकाल लोहित जी का पर्व सभी स्टाफ व बंदियों ने मिलकर धूमधाम से मनाया। कारागार में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने से जहां एक और बंदियों का अवसाद व निराशा दूर होती है, वहीं कारागार के कुशल संचालन में अभूतपूर्व मदद व सहयोग मिलता है। आज शाहजहांपुर जेल में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कारागार में सभी बंदियों, अधिकारियों और स्टाफ के लिए विशेष रूप से खिचड़ी पकाई गई तथा सर्वप्रथम अधिकारी और कर्मचारियों ने पंगत में बिठाकर बंदियों को खिचड़ी परोसकर खिलाई। उसके बाद सभी अधिकारी और कर्मचारियों को पंगत में बिठाकर बंदियों के द्वारा खिचड़ी परोसकर खिलाई गई। जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के द्वारा सभी बंदियों को मकर संक्रांति की बधाई दी।